आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीप, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयड दीप। सो दोस्तों, नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। वीडियो नहीं ला रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं है वीडियो में, जो भी वीडियो लाता हूँ आप लोग अगर वीडियो देखेंगे नहीं तो मेरे वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है। इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ का है ना, मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, फिर वीडियो डब बोलना पड़ता है। तो आज का दोस्तों कहानी है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो अब दोस्तों ये कहानी बहुत चर्चा में चल रही है तो मैं थोड़ा बता ही दूँ आपको कहानी थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बना के। सब हर कोई बना रहे पर मैं थोड़ा अलग तरीके से सब बनाया है मैंने कहानी, और मैं आपको बता रहा हूँ कहानी नहीं है दोस्तों, हकीकत है। मैं जो भी बोलता हूँ इस चैनल में सब हकीकत होता है। तो दोस्तों ये है दोस्तों यूपी की SDM, अभी बहुत बड़ा न्यूज़ चल रहा है कि SDM ने धोखा दिया अपने पति को। तो यूपी की SDM ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या की एक कहानी है दोस्तों। आलोक और ज्योति की शादी 2010 में हुई थी है ना। शादी के मतलब वक्त आलोक शादी जब हो रहा था तब आलोक एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहा था है ना, सफाई कर्मचारी का नौकरी कर रहा था, वो पियॉन टाइप था, और ज्योति टीचर थी शादी के बाद। हाँ ज्योति टीचर थी अच्छी और वो सफाई कर्मचारी। तो शादी के बाद ज्योति ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो पति और ससुर ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। ज्योति ने सब मतलब पूरी तरह से सपोर्ट किया। ज्योति ने जब अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ज्योति ने अपनी जॉब छोड़ दी टीचर की दोस्तों, फिर उन्होंने समझ में आ रहा है उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना शुरू कर दी है ना। इसी दौरान पति और परिवार की पूरी तरह से साथ मिला ज्योति को। ज्योति SDM बन गई। ज्योति के SDM बनने में पति आलोक का भी उतना ही सपोर्ट था जितना खुद ज्योति की मेहनत। लेकिन प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होनी शुरू हो गई जब SDM ज्योति को अपना सफाई कर्मचारी पति अपने स्टेटस से छोटा दिखने लगा। समझ में आ रहा है। आलोक मौर्या बोल रहे थे SDM बनने के कुछ साल बाद ही ज्योति के मतलब बिहेवियर में चेंज आ गया, आने लगा, मतलब शक हुआ ज्योति का। फ़ोन चेक किया तो काफ़ी बातें निकल कर सामने आई। तो 2020 तक सब ठीक था, बाद में अचानक बिहेवियर बदला। उसे शक हुआ, आलोक को शक हुआ। मैंने उसे नोटिस करना शुरू किया, उसके फ़ोन चेक किए है ना। साल 2022 में मैंने उसे एक होटल में रंगे हाथों पकड़ा। आलोक बताते हैं कि उन्होंने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा ज्योति को। ज्योति से ये सब बोला, ज्योति से पूछा आलोक ने कि ये सब क्या चल रहा है। तो ज्योति ने बोला ये मनीष दुबे है, मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा पर्सनल लाइफ है, ये तुम देख दखल मत दो मेरे पर्सनल लाइफ में। उसके बाद घर में लड़ाई झगड़े और आरोप शुरू हुआ है ना कि ज्योति अपने BF के साथ मिलकर पति जो, यहाँ तक कि ज्योति ये भी खबर में आ रहा है, मुझे नहीं पता, खबर में मैंने सुना कि BF के साथ ज्योति अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगाने की भी तैयारी कर रही थी। ठिकाने मतलब क्याओ। तो अब क्या है, मतलब अब देखिए, अब दोस्त सब बोलने लगे कि अब मैं एक डायलॉग सुन रहा हूँ हर जगह, ये चीज़ डायलॉग फेमस हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ पर बीवी मत पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पर बीवी मत पढ़ाओ। ठीक है चलिए सही है। अब 2015 में क्या हुआ था दोस्तों, ट्विंस बच्चों की माँ बनी ज्योति। आज बोलती है पति अत्याचार करता है, आज बोल रही है ज्योति, उस टाइम नहीं बोली वो। लेकिन 2015 में उनके दो बच्चे भी हुए। दो बच्चे होने के बाद वो अब बोल रही है कि अत्याचार करता है, पिछले मतलब पहले सपोर्ट करता था वो आदमी, वो अच्छा नहीं है, अब सपोर्ट नहीं करता है, वो पहले सपोर्ट करता था, आदमी बड़े ओहदे वाला हो तभी शादी होगी। अभी दोस्तों ये एक प्रॉब्लम हो चुका है कि आदमी बड़े ओहदे वाला होगा तभी लड़की उससे शादी करेगी, भले ही अगर लड़की अनपढ़ गंवार हो है ना, तो आदमी बड़े ओहदा वाला हो तभी शादी होगी। ये एक नेशनल इशू हो गया है दोस्तों। ये स्टोरी अभी झारखंड बिहार में एक केसेस सामने आने लगी कि आदमियों ने मतलब पति ने बोला कि मेरी पत्नी अब
नहीं पड़ेगी, छोड़ो साइड में, क्योंकि ये हमको धोखा दे के भाग जाएगी। अब ये भी हो रहा है, ये कहानियाँ सुन के सब अपने सब पति अपने पत्नियों को पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया गया है उनको, ये भी हो रहा है। तो इसका मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, एक चीज़ मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बाद में मैं मेरा एग्जांपल दूंगा। ये देखिए, आपको खुद में ही बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अल्फा कैरेक्टरिस्टिक जगानी पड़ेगी आपको, है ना। तो ज्योति जो है उनकी एडुकेशन अच्छी है, वो बीएड किया है उन्होंने, फिर उन्होंने पीसीएस क्रैक किया है जो सबसे हार्ड है, पीसीएस स्टेट यूपीसी से भी वो टफ़ होता है, स्टेट सर्विस कमीशन जो होता है वो और भी टफ़ होता है यूपीसी से, उसमें कट ऑफ ज़्यादा है, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है ज़्यादा। तो आलोक मौर्या रो रो कर बोल रहे हैं कि मैंने उधार लेके पढ़ाया था क्योंकि ज्योति पढ़ने में तेज़ थी, क्योंकि इनकी यूपी पीसीएस में आई थी 16th रैंक एसडीएम और वोमेन कैटेगरी में थर्ड। एवरीवन वाज हैप्पी। 2017 के बाद रिश्तों में खटास आने लगी है दोस्तों। 2017 के बाद, 15 तक सब ठीक था, सिर्फ 17 के बाद रिश्तों में खटास आने लगे। क्यों क्यों क्योंकि उनकी ज़िंदगी में, ज्योति मौर्य की ज़िंदगी में एक नए इंसान का प्रवेश हुआ जिनका नाम था असिस्टेंट कमांडेंट मनीष दुबे, CAPF UPSC क्लियर्ड। मनीष दुबे भी UPSC क्लियर है, लेकिन वो उन्होंने CAPF क्लियर किया, असिस्टेंट कमांडेंट एज ए है वो, तो लखनऊ में शायद या कहीं भी, यूपी की केस तो यूपी का है। तो ज्योति और मनीष प्यार करने लगे एक दूसरे से, वो शायद मिलने लगे लखनऊ में मीटिंग्स में, है ना। तो आलोक ने रंगे हाथों पकड़ा उनको, ठीक है। तो ज्योति ने FIR दर्ज करवाया अभी फिलहाल कि वो दहेज मांग रहे थे, अभी दहेज मांग रहे वो हमसे, लड़की से अभी ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। तो और ये बोल रहे कि, ज्योति ये बोल रहे कि हमसे झूठ बोल के शादी करवाया, आलोक पंचायत अधिकारी बोल के शादी करवाया। आलोक सच में पंचायत अधिकारी नहीं थे, वो एक क्या थे, सफाई कर्मचारी। ज्योति बोली ये एक तरफा दिखाया जा रहा है, ज्योति जो है SDM मैम जो है, ज्योति मैम बोल रही है कि एक तरफा दिखाया जा रहा है। आलोक बोल रहे हैं मैंने पढ़ाया लिखाया, मुझे क्या मिला। आलोक रो रो के सब बोल रहे हैं। अभी मामला अब कोर्ट में है दोस्तों, अब पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। आदमी पे इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है दोस्तों, ये बहुत बुरी बात है, होता आ रहा है, हो रहा है, बचपन से होता है। नेशनल कमीशन ऑफ मैन होनी चाहिए दोस्तों, नेशनल कमीशन ऑफ वोमेन जैसे हो रहा है, मुझे लगता है नेशनल कमीशन ऑफ मैन होना चाहिए। हम आदमियों पे, मुझ पे तो बहुत अब्यूज़ हुआ इमोशनल फिजिकल, ये एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों हमारी सोसाइटी की, जो हम कोई मान नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है मर्दों के लिए, क्योंकि हर वक्त ये देखा गया है कि मर्दों ने औरतों पर अत्याचार किया। लेकिन दोस्तों अब बदल चुके हैं, अब औरतें भी कर रही है अत्याचार। मैं फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फेमिनिज्म के सपोर्ट में हूँ, पर आप आदमियों की ज़िंदगी देखिए दोस्तों, आप आदमी का जो जीवन है दोस्तों वो कैसा है बचपन से, देखिए कैसा जीवन है आदमियों का दोस्तों, धोबी का कुत्ता जैसा, इधर ना का है ना उधर का है, ना घर का है ना घाट का है वो, है ना। कैसा है बचपन से हम पे जिम्मेदारी दारियाँ दे दी जाती है, कैसे, 9th 10th से नहीं, 9th 10th क्लास से तो 3rd और 4th से ही मतलब प्रेशर हो आने लगता है, हम पर आने लगता है कि टॉप करना है, टॉप करना है तुम्हें क्लास में, टॉप करना है आपको। लड़के, आप लड़के हो, रोते नहीं है लड़के, लड़के रो नहीं सकते, ऐसा दिमाग में बैठाया जाता है। सबसे ज़्यादा लड़के ही देवदास बनते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा लड़के ही बनते हैं। 9th और 10th आते आते हम पर 9th और 10th आते हैं तो हम मर जाते, मतलब पढ़ पढ़ के हम मर जाते, पढ़ाई करते करते हम मर जाते। फिर 10th कर लो, ज़िंदगी शॉर्ट हो जाएगी बोलते, 10th कर ले ज़िंदगी शॉर्ट। फिर 11th 12th कर लो बोलेंगे, शॉर्ट हो जाएगी ज़िंदगी। फिर 11th 10th किया हमने, फिर हमारा 18 साल चले गए, 18 साल गया काम से, ज़रूरी है ये दोस्तों 11th 12th करना, ठीक है क्या कर सकते हो। फिर 18 साल गए काम से, है ना, 18 साल गए। फिर ग्रेजुएशन, और प्रेशर पॉलिटिक्स, ग्रेजुएशन में तो और प्रेशर पॉलिटिक्स है दोस्तों, जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं कॉलेज में, अब और प्रेशर और पॉलिटिक्स होता है, वो मुझे पता है, मैंने इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा रेडियोथेरेपी के बारे में, फिर सीनियर गुस्सा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। ऐसे करते करते 22 साल तो नौकरी ढूंढते ढूंढते लग जाते हैं, फिर 25 साल आ गए, फिर उसके बाद वो अपने लिए सोचना ही छोड़ देता है नौकरी मिलने के बाद, हाँ आदमी ख़त्म है ना, गॉन आदमी गॉन। अब उसके आ जाती है मेच्योरिटी उस पर, है ना, बहुत, और वो अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ ले लेता है,
मतलब माँ बाप का, पत्नी का, समाज का, उम्मीदों का, अपने लिए सोचना ही छोड़ देता है वो, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे करते करते ख़त्म, बीत गया बात, तो पूरी ज़िंदगी ऐसे करते करते दोस्तों ख़त्म हो जाती है ना। आखिरी में जब वो ये उसको ये सुनाया जा रहा है, जब आखिरी का समय होता है, 50-55 साल हो जाता है, 60 साल हो जाता है, तब उसको सुनाया जाता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये बताओ, ये होती है तुमने क्या किया, ये एक इमोशनल अब्यूज़ होता है ना। सो यू हैव टू बी डिटैच, भगवान शिव शंकर जैसा होना पड़ेगा आपको, हर स्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेस अटैचमेंट, किसी भी लड़की से ज़्यादा अटैच मत होइए। अभी मैंने एक बिग बॉस देख रहा था, मैं OTT2 में अविनाश बोल रहे थे मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ फलक को, लेकिन फलक क्या बोला, हम बच्चे नहीं हैं, हम स्कूल में नहीं हैं, मुझे कोई, मेरे लिए अभी ये प्रायोरिटी नहीं है। तो मतलब अविनाश को एक फ्रेंड जोन में डाल रही है, और अविनाश बेचारा फ्रेंड जोन में चला गया। देखिए अविनाश के अंदर फीलिंग्स थी, उसने जो बोला ठीक है, लेकिन उसने फ्रेंड जोन कर दिया उसको। लेकिन ये वो लड़की ने उसको बोला नहीं, बोला नहीं किंतु कि मैं हाँ या ना, कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला प्रायोरिटी नहीं है, उस फलक ने बोला। ये कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कैसा आंसर दिया उसने, तो फ्रेंड जोन में रख दिया उसको कि सोचेंगे इसके बारे में बाद में, ये भी एक है ना। सो यही प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, यही प्रॉब्लम चल रहा है। अब हर जगह के जो पति है ना, जहाँ पे है यूपी के पति जो है, जो उनके पत्नियों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, सूर्यवंशम देख के जो भेजा गया था IAS बनने के लिए, पत्नियों को अभी वो वापस ला रहे, मतलब सूर्यवंशम फिल्म देख के जिन लोगों ने अपने पत्नियों को IAS बनने के लिए भेजा है बाहर जाओ, अब वो सब बुला रहे वापस, घर आओ, पढ़ाई लिखाई बंद करो, तो मुझे धोखा दे के भाग जाओगी, अब घर वापस आओ, घर का काम करो, मैं ही कमाऊँगा खाऊँगा। तो ये चल रहा है दोस्तों, ये हो गया अब दोस्तों, SDM का लव धोखा चल रहा है अब, क्या बताएं दोस्तों, क्या मतलब घोर कलयुग चल रहा है दोस्तों, घोर कलयुग, क्या बताऊँ। मेरी अब बात कर लीजिए, अब आता हूँ मैं एग्जांपल, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी दोस्तों, तो वो मुझे फ्रेंड जोन में रख रही थी, 2020 की बात है, तो वो फ्रेंड जोन में मुझे रखा, फिर उसका एक फर्स्ट बॉयफ्रेंड भी है, मैं उसका सेकेंड बॉयफ्रेंड, वो मुझे भी लटका रही थी, उसको भी लटका रहा था वो, लड़ी थी वो, तो ठीक है। अब वो ये मन में सोच रही थी कि कौन मुझे MBA करवाएगा, उसके साथ ही मैं सेटल लूँगी। तो फर्स्ट बॉयफ्रेंड बोला कि जो पहला उसका बॉयफ्रेंड था, वो बोला मैं उसको पढ़ाऊँगा MBA, हायर स्टडी कराऊँगा, तो मैं ही इससे वो करूँगा। तो मैं बोला ठीक है ले जा, मुझे कोई शौक नहीं है, उसको पढ़ा लिखा लेगा, मेरा क्या है। उसको अगर ये उस लड़की के मन में अगर ये था कि वो मुझे, मतलब मुझे वही लड़की को चूज़ करेगी जिससे उसका फ़ायदा होगा, तो ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं अकेला खुश हूँ भाई, बहुत, आई एम वेरी हैप्पी। वो जा सकती है उसके साथ, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे 13-14 लड़की छोड़ दी है, मुझे कोई वो नहीं है, मैं अपने यूट्यूब चैनल से बहुत खुश हूँ, मैंने जित मुझे मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। जो चैनल खोला उसमें भी व्यूज़ नहीं आते, मुझे कोई वो नहीं है, आप देखिए चैनल आपकी मर्ज़ी, ना देखिए आपकी मर्ज़ी। मैं तो एक छोटा सा कहानी बताया बस, यूपी की हो, मेरा भी साथ में कहानी बताया, तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मुझे पता है आजकल की जो समाज है ना वो किस लेवल पर जा चुका है, किसी की गलती नहीं है, ये समाज की गलती है कि लड़के बड़े ओहदे पे होना पड़ेगा, और लड़की अगर गवार भी हुई तो उससे शादी करवाओ, और लड़की अगर बड़े ओहदे पे हुई और लड़का छोटा ओहदा पे है तो वो शादी नहीं हो सकता, ये हालत है हमारे समाज की, ये है। और कई कई जगह तो ऐसा है कि काम वाली बाई है तो उसका शादी लेबर के साथ, ये भी है, ये चलता है समाज की एक दोस्तों, इंडियन इंडिया का ये सिस्टम चलता आ रहा है। और ये क्यों हुआ, ब्रिटिश ने हम पे रूल किया 200 साल, तो 200 साल का जो टॉर्चर है ना वो अभी निकल रहा है दोस्तों, ये सब क्रिटिसाइज कर करके जैसे किया था ना उन लोगों ने रूल, डिवाइड एंड रूल, तो यही अब चल रहा है, यही घोर कलयुग है दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू भाई, चैनल में इतना ही था, थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करिए, आपकी मर्ज़ी, देखना है देखिए वीडियो, मैं तो वीडियो तो आप देखते नहीं हैं, अच्छी वीडियोस बनाता हूँ तो आप नहीं देखेंगे, चलिए थैंक यू, कंट्रोवर्सी करूँगा फिर देखेंगे, थैंक यू भाई, चलिए।